टमाटर में अभी इसको डालूंगी मैं, मजा आएगा। इसको मैं धो के रखी हूँ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग सब अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, रोज की तरह स्वागत है आपको आज के मेरे इस दासुदार नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज संडे है, सबको पता है संडे है बोल के। तो सुबह का शुरुआत सबसे पहले करते हैं, मॉर्निंग शुरुआत चाय पी के। आप लोगों को तो पता है कि मैं चाय बहुत पीती हूँ, और अभी ठंडा शुरू हो गया है, हल्का हल्का सुबह सुबह कुहड़ी भी लगता है, तो ज्यादा ठंडा मेरे को लगता है। मुझे ठंडा का सीजन मुझे बहुत मतलब मुझे पसंद नहीं है, मैं उल्टा हूँ। सबको ठंडा का सीजन पसंद है, लेकिन मुझे ठंडा का सीजन पसंद नहीं। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं सुबह का ढासू वाला चाय पी के। तो मैं जा रही हूँ अभी चाय बनाने, आप लोग भी पी लिए होंगे सुबह सुबह का चाय, तो मैं भी पीती हूँ सुबह सुबह का चाय। दोस्तों, बर्तन धोने के बाद में फिर मैं आऊंगी, मिलूंगी आपसे। तो अभी बाबू भी उठ गया है, उसके पापा भी उठ गए हैं, तो अभी बोल रहा है ओ कि घुमाने लेके जाओ। काम हम लोगों का नहीं है क्या? काम बहुत सारा है, फिर भी तो उसको एक बार तो घुमाने लेके जाना पड़ेगा। तो सर उसको थोड़ा सा घुमा के ले गया ना बाबा। बाबू खेल रहा है अभी उसका पापा का साथ में, और उसका पापा का साथ में बहुत मजा से खेलता है। आज अभी ना ये थोड़ा थोड़ा उठने के लिए सीख गया है, तो बाप रे रात भर उठ के परेशान कर दिया। कल तो पूरा उठ रहा है बैठ रहा है, उठ रहा है बैठ रहा है। तो अभी मैं जा, तो बाकी सब काम खत्म हो गया है, सब मैंने फटाफट उठ के काम खत्म कर लिया था। बाबू जब तक सोया था, अभी उठ गया तो कुछ करने नहीं सकेंगे, लेकिन मेरे हस्बैंड घर ही में हैं, अभी 2 बजे ड्यूटी जाएंगे। तो मैं अभी फटाफट खाना बना लूंगी, खाना बनाने के बाद मैं खाएंगे। आज तो संडे है, आज बकबाल कुछ कुछ होने वाला है, तो अभी हम लोग खाना उना बनाएंगे, खाना खाएंगे, उसके बाद में आज मेरा मम्मी का जो और देखिए वो रो रहा है, वो रो रहा है, क्यों रो रहा है? तो अभी मैं फटाफट बना ले रही हूँ सब्जी, फटाफट। आज संडे है ना, तो खाना उना आराम बना लेने से आराम से बैठने को भी मिलता है, फिर ड्यूटी भी है 2 बजे, इसलिए मैं अभी सब्जी प्याज काट रही हूँ। प्याज अभी बहुत महंगा हो गया है, 70 रुपए किलो हुआ है, लेकिन आज चांस में डांस मार लिया। मेरे हस्बैंड गए थे दुकान, तो उनको ना मिल गया सस्ता प्याज, 50 रुपए किलो प्याज मिल गया, तो वो 2 किलो लेके आए हैं प्याज। अभी बहुत दिन तक जाएगा, तो मैं काट ले रही हूँ फटाफट सब्जी, अदरक लहसुन छील लूंगी, प्याज काटूंगी, फिर सब्जी बनाएंगे। और देखिए उसको देखिए कैसे खेल रहा है, उसको ना वही सब पसंद है, उसको लाइटर ये सब पसंद है, तो वो चुपचाप बैठ के अभी खेल रहा है। खेल बेटा खेल। अदरक भी कैसा अदरक लाया यार, सड़ा सड़ा अदरक। इनको ना कुछ भी मतलब वो करने नहीं आता है, जो मिलता है वैसे ही लेके आते हैं कि नहीं थोड़ा सा अच्छा चीज लाएंगे नहीं, इसीलिए मैं जाती हूँ हमेशा जो। लेकिन क्या करे, घर में आज बहुत सारा काम था, तो मैं बोली कि नहीं मैं आज मैं नहीं जाऊंगी, बोल के अभी तो दिवाली आ रहा है, डासू दिवाली होने आ रहा है, मजा आएगा दिवाली में। हूँ लेकिन काम भी बहुत सारा है पड़ा हुआ है।
तो दोस्तों मेरा प्याज उज काट के मैं रेडी कर ली हूँ, तो मैं अभी बना रही हूँ फटाफट सब्जी। आज मैंने मुझे मटन खाने का बहुत मन कर रहा था तो मटन मंगाया था, तो मैं आज बना रही हूँ मटन। प्याज काट रही हूँ, प्याज डाल रही हूँ फटाफट। खस्सी का मांस ना मेरा पूरा फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। मैं कहीं पार्टी में जाती हूँ ना, तो मैं पहले तो पूछ गया है वहाँ पर, फिर भी नहीं खाती हूँ, पूरा खस्सी का मांस खाती खाती हूँ, क्योंकि मेरा फेवरेट है ना। तो जितना भी दो मुझे मेरा पेट नहीं भरता है खस्सी का मांस खाने को, लेकिन बाद में पूरा गीत हो क्या आता है। मटन है अभी इसको डालूंगी मैं, मजा आएगा। इसको मैं धो के रखती हूँ, ऐसे तो मुझे आज पचौनी खाने का मन कर रहा था जो और बकरी का पचौनी, लेकिन अभी कौन सफा करेगा लाके, मेरे को तो सफा करने नहीं आता है। मैं मम्मी को बोली कि सफा कर दो, बोलते तो बोल के इतना परेशानी कौन देगा, बोली तो ठीक है चलो मटन ही खा लेते हैं। मैं बना ले रही हूँ फटाफट मटन, मेरा तो मटन पूरा फेवरेट है भाई, कोई खाए नहीं खाए, हाँ मेरे को तो मजा टेस्ट आ रहा है। भूज ले रही हूँ पूरा, चढ़ 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 करके भूजूंगी दाल भात और खस्सी का मांस खाएंगे। आज जाके कुत्ता तुम अच्छा मांस लेके आए हो भाई, उनको सब चीज में आदमी लोग भाग देता है जानते हो। तो डाल दे रही हूँ नमक फटाफट, देखते हैं खोल के भागी के तो। वाओ मस्त सेंट आ रहा है सुसा, गजब लग रहा है, लग रहा है अभी इसमें मसाला देंगे तो और अच्छा लग रहा है ना। लाल कलर आ गया है तो अब मैं बुझा गया है मटन, अभी डाल रही हूँ मसाला। वाव मसाला डालने के बाद में तो और अलग दिख रहा है ना सर। तो अभी मेरा मटन भूज के रेडी हो गया है, देखिए अभी भूजा गया तो ऐसे दिख रहा है। अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैं पकाऊंगी भाई। वाह मस्त सेंट आ रहा है सुसा, डासू होने वाला है डासू। सो गाइस मेरा मटन हो गया रेडी, अभी मैं इसमें डाल दे रही हूँ धनिया पत्ता, मजा आने वाला है। हाँ।
धनिया पत्ता डाल दी, इसको मैं थोड़ा सा डाल दूंगी। अभी मटन हो गया रेडी, किस किस को खाना है आ जाइए प्लीज। सो दोस्तों मैंने मटन बना के खत्म कर लिया। जब मैंने मटन बना रही थी तो मम्मी ना छाता लेके आ रही थी नेपाल से, मेरा मम्मी को एक आंटी लाती थी तो मुझे ना बहुत ओढ़ने का मन किया, नेपाल का छाता बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा जो आज जो मैंने ब्लॉग बनाया उसको मैं आज इतने में समाप्त करती हूँ, टाइम बहुत ज्यादा हो जा रहा है, अभी खाना भी खाना है, बाबू को भी भूख लग रहा है। दोस्तों बाबू देख रहा है उधर से मेरा मम्मी क्या कर रही है बोल के। तो मेरा वीडियो आप लोगों को कैसे लगा प्लीज जाके मेरा प्लीज मेरे को सब्सक्राइब कर दीजिए ना, मेरे को भी थोड़ा वायरल कर दीजिए ना। मेरा वीडियो कैसे लगता है दोस्तों कमेंट कीजिएगा, और जो भी नए व्यूअर है प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मेरा आज का ब्लॉग में इतना ही, मेरा बाबू को भूख लग रहा है। ओके बाय बाय।